ये चाय दे रही है ये। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कवर व्लॉग में एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस, आज आप इंतज़ार में होंगे कि आज मेरा टॉपिक क्या है। तो हम पहले तो सबसे मिलवाते हैं बारी बारी आपको और उसके बाद हम। हाँ जी, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक तो मुझे भी नहीं पता आज का क्या है। तो मैं आपसे बस सलाम दुआ जस लेने और मैं खा रहा हूँ ये चॉकलेट, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं रात को भी सोने के टाइम पे इतनी सारी ले आता हूँ, तो 15-20 फिर पूरी रात मज़े से 3-3.5 बजे तक खाता है। मेरा चीनी की मजाक उड़ाते और ख़ुद चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट ये वाली मज़े की है, खुद मीठा खाएं तो मज़े का, और माँ मीठा बना के दे दे, मीठा ज़्यादा कर दे तो मज़े को गैर मज़े। तो जाएगा घर में ही हम तो चीटिंग ना करें, चीटिंग घर में ही हम लोग जो है ना, घर वालों भी बोल सकते कि ये सही नहीं बनी। बाकी मैं चला रहा था फेसबुक, अपनी आईडी चला रहा था, बाकी तो और सबसे मिलवाए फिर एंड में मेरे से बात। तो यहाँ मौजूद है किरण। तो गाइस को आवाज़ नहीं आ रही, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और कल का दिन जैसे आपने ब्लॉग में देखा, हमारा जो पूरा दिन बालक में गुजर गया था क्योंकि 3-4 बजे गए थे हमें आते आते, फिर आकर हमने रेस्ट किया। तो अभी फिर जो है वो सुबह की रूटीन वैसे ही चली है। रूटीन के बाद जो है वो अभी हमने जो है वो दस्तखान लगाया था, रोजा इफ्तार किया था। रोजा इफ्तार का ब्लॉग हमने आपके पास शेयर नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ब्लॉगर है, उनका कहना ये है कि रोज़ रोज़ आप खाने की वीडियो शेयर नहीं किया करें, तो फिर हमने इफ्तार का नहीं शेयर किया था। आज का ब्लॉग हम जो है वो आपके साथ छोटा सा ही शेयर करेंगे, बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा और थोड़ा फ़नी भी होगा, आपको फ़नी लगेगा अगर आप आगे आगे देखेंगे, हो सकता है आप उसमें हंसे भी। तो जो है वो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। याद है कि पापा बेईमानी कहते हैं, छूट देना जरा पापा को, छूट देने से नहीं दिखाना फिर किसको। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, आप बताएं पहले आपका प्रॉब्लम क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? मैं वैसे ठीक नहीं था, मैं कुछ चोरी चोरी खा रहा था, खाने नहीं दिया। कौन है? बेग में बड़ी जालिम होती है। अच्छा क्यों? जब खुद खा लेती है बंदा नहीं करती होता, चुप करके खा लेती है, और जब बंदा करते कुछ चीज़ खाने लगे तो बिल्कुल छोड़ दे गरी, उसको कचीचियाँ ले लेके पड़ती है। तो इनको ज़रा समझाएं, फिर बोलती है बंदों का कसूर है, मैं कोई बात नहीं करूँगा। इतना बोलने के बाद नहीं करूँगा, ये तो बड़े अजीब सी बात, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कूलर में पानी, मैं शरीफ आदमी, औरत जड़ी ना बहुत होशियार होती है, आपको पता है। बंदा बोला कबूतर, बिल्ली को देख के तो आके बंद कर लेता है, मैं छुप गई हूँ, वो बिल्ली आके गर्दन से पकड़ लेती है। तो वही हिसाब औरत को भी यही समझ लो, बिल्ली है। अच्छा, बिल्ली कबूतर वाला मामला है, बंदा कबूतर होता है और बिल्ली होती है। किसी को नहीं मैं कह रहा, मैं अपनी औरत को कह रहा हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी। तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ कामरान और मारिया के घर, काफ़ी दिनों के बाद आई, वैसे हाँ। दो दिन पहले भी आई थी तो मारिया काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मम्मा आई हुई है और मैं बनाने लगी थी चाय, मम्मा की चाय नहीं बनाओ, मैं रोज़ा भी अभी रोज़ा खा के आई, मैंने कहा नहीं चाय तो बनती है, आप इतने दिनों बाद आए तो चाय तो बनती है। और यहाँ पर मैं थोड़े ना कपड़े देख रही थी, सुबह मशीन लगा के, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना वो पानी का बहुत मसला है, तो इसलिए मैंने धोई नहीं। अभी मैंने कहा 20 से पहले धो लूँ, घर साफ और काम। वालेकुम बस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो मम्मा यही है हमारे घर पे, बहुत अच्छा लगा मम्मा से मिलकर। ये देखो मैं दूध लेके आया, हमारे वो ना चाय बना, हाँ, बना रही हूँ मम्मा, तो बना कर रही थी। हमारे घर पे जो है ना कल खुलने वाला है धोबी का, जिसने कपड़े धुलवाने हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं अभी। हाँ हाँ ये बात है मारिया, काम मैंने कहा घर का काम, पानी नहीं तो मैं तो हर दूसरे दिन दो कपड़े, पानी हो तो पानी का मसला रहता है इसलिए।
एक हफ्ते बाद आता है ना, 15 दिन के बाद पानी आता है, एक हफ्ते बाद पानी आता है, इतनी प्रॉब्लम होती है। तो चले जब चाय बनाएंगे फिर आपके ब्लॉग शेयर। ये चाय दे रही है, ये देखिए चाय ज़बरदस्त लग रही है, अच्छी बन रही है। मैं नॉर्मल मीठा थोड़ा तेज ही रखा, उस दिन बहुत ही कम डल गया। तो आप भी आ गए चाय पीने के लिए? आया था बहू के हाथ की चाय। अच्छा, बहू के हाथ की चाय। नॉर्मल मीठा थोड़ा तेज ही रखा? नहीं, नॉर्मल मीठा थोड़ा सा तेज रखा, थोड़ा सा, मतलब इतना कम नहीं है, थोड़ा ही। अब सही बन रही है, अंधेरा क्यों रहा है। चाय आर्या बना रही है खाना, आलू मटर बनाने लगी। अच्छा, आलू मटर बनाने लगी। तो मैं यही कह रही थी आज इतनी लेट बना रही है, क्या देर से बना रही हूँ, वो थोड़ा घर का काम हो गया, फिर काम का मैच छोड़ने चले गए थे अम्मी को। अच्छा, मेरी तबीयत सही नहीं ना, गोपाल के घर पर, नहीं तो मैंने शाम से बनाने था, और इसलिए भी थोड़ा देर से बनाया, गर्मी है, सालन खराब हो जाता है, आपको पता है। हाँ, सालन तो वाकई खराब हो जाता है, गर्मी आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाँ, तो बहुत ज्यादा थी, ऐसी तपिश हो रही थी जैसे लू चल रही है आज। मैंने कहा थोड़ा देर से बनाई, दोपहर में खाना खाया था बच्चों ने। हाँ, तो फिर मैंने कहा देर से बनाऊंगी, सालन ही खराब होगा, वाकई मम्मा खराब हो जाता है, फ्रिज में रखवा दीजिए ना। सही है। तो ये देखें, गैस का बहरान हर जगह चल रहा है, और हम भी देखें सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर कितने भी महीनों से यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो मारिया आग जलाती हूँ, पता है आग पे फटाफट बन जाता है ये, आग पे सालन रोटी ऐसे मिनटों में बनती है ना, कि मुझे गैस बड़ी उलझन लगती है। सिलेंडर है, लेकिन वही बात, मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन लगती है सिलेंडर पे पकाना। मैं कहती हूँ जितनी देर में सिलेंडर पे बनाना है, इतनी देर में बंदा आग पे बना के फारिक हो जाए। ये बात। तो गाइस, आज का तक का व्लॉग हमारा इस साथ यहीं तक, मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और आप लोगों ने मम्मा के चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और अच्छे अच्छे करने हैं कमेंट, आप जो है ना वीडियो को फुल वॉच किया करें मम्मा के लिए। और मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आपने लाइक शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।